तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको अगर 1 लाख के अंदर कोई ईवी स्कूटर लेना है, आप लेने की सोच रहे हैं, तो कौन सा स्कूटर आप ले सकते हैं, तो बात करेंगे इसी टॉपिक पे। हे गाइस, मेरा नाम विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं ईवी माइंड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हीरो ऑप्टिमा CX सिंगल बैटरी के बारे में। इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल बैटरी के साथ आता है, एक डुअल बैटरी के साथ आता है। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है अंडर 1 लाख में, तो आप हीरो इलेक्ट्रिक का कोई भी स्कूटर ले सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर दोनों ही सॉलिड है, और ये अभी तक जुलाई की सेल्स की बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक नंबर 1 पोजीशन पर रहा है एज कम्पेयर टू जुलाई की सेल की बात करें तो। अगर हम हीरो ऑप्टिमा CX सिंगल बैटरी की रेंज की बात करें तो 82 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज देखने को मिल जाती है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी ओवरऑल बॉडी की बात करें, मतलब स्कूटी कितनी भारी है, मतलब ओवरऑल वेट की बात करें तो 82 kg का इसमें आपको वेट देखने को मिल जाता है। अगर जितना ज़्यादा वेट होता है उतनी ज़्यादा गाड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे TVS IQ की बात करें, 128 kg का इसमें TVS IQ में वेट देखने को मिल जाता है। मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर पे उतना ही काम करा है, गाड़ी को मजबूत बनाने के लिए उतना ही काम करा है, तभी उसका वेट ज़्यादा है। अगर हम इसमें मोटर की बात करें तो 550 वॉट का आपको BLDC हब मोटर मिल जाता है। BLDC हब मोटर TVS IQ में भी यूज़ करा गया है। BLDC हब मोटर आपका टायर में अटैच रहता है। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इमेज। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी के बारे में। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इसमें 1.5 किलो वॉट की इसमें बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ इसकी बैटरी गारंटी की, तो 3 साल की इसमें बैटरी की गारंटी है। और अगर बात करें इसके टायर के बारे में, तो आपको 12 इंच के टायर इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें थोड़े से बड़े टायर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो भी हमारी एथर और जो भी TVS IQ है। तो कैसी लगी ये आपको अपडेट? तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे जाए, शेयर कर दे जाए, सब्सक्राइब कर दे जाए। थैंक यू।